स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल गांव की शांति में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जिस वीडियो का इंतजार था वो वीडियो आ गई है, जिसमें मैं अपना होम टूर कराने वाली हूँ। और पूरा वीडियो देखिएगा, आप सबके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, दीदी अपना होम टूर कराइए, जब से आपने नया किचन बनवाया है, एक नया रूम बनवाया है, कैसा सब लग रहा है। तो चलिए यहाँ से हमारा एंट्री शुरू होता है। देखिए जहाँ से भी मेरे हस्बैंड जा रहे हैं बाहर, यहाँ ये है हमारा मेन गेट, इस यहाँ पे खड़ी रहती है हमारे यहाँ। ये हमारी बाइक, मतलब हमारी मेरे हस्बैंड की बाइक, मैं भी चलाती हूँ। जैसे आप यहाँ पे एंट्री करेंगे ना, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं जो छत पे जाती हैं। इस वाले फ्लोर पे हमारे यहाँ बैंक है, जिसको हमने किराए पे दे रखा है। और यहाँ से एंट्री करेंगे तो मेरे पौधे हैं कुछ प्यारे प्यारे, और धान की वजह से थोड़े पौधे मेरे उधर साइड में है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने पिछले जब से, जो मेरे डेली व्यूवर्स हैं उनको पता होगा कितने सारे हमने पौधे लगा रखे हैं। लेकिन ये धान वान की वजह से भी थोड़ा सा आंगन में पूरा नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैसी मैसी सा है। इसके बाद यहाँ से होता है हमारे रूम का जो है वो मेन जो गेट है वो था, उसके बाद सेकेंड वहाँ से घूम के इधर आना पड़ता है। यहाँ पर हमारे कुछ फूल हैं जो अभी उधर थे तो अभी इधर आ चुके हैं। और जैसे कि हम एंट्री करेंगे, ये मेरा एक हॉल है, और हॉल में वीडियो पसंद आए तो पहले बता देती हूँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा। और मेरे 1.5 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो जल्दी से उसको पूरा कर दीजिएगा। यहाँ पे जैसे आप एंट्री करते हैं ना, अब हम लोग तो यहाँ पे अरम्या की स्टडी टेबल है, जिसमें अरम्या की चीजें हैं, लैपटॉप है उसका, ये सारी चीजें जैसे जो मुझे अमेज़न और इंस्टाग्राम से जो चीजें आती जाती रहती हैं, जो कोलैबोरेशन की चीजें, सो यहाँ पे रहती हैं। यहाँ पे हमारा शूज रैक है जो मैंने कुछ टाइम पहले लिया, आप सबके साथ शेयर भी किया था। और छोटी मोटी चीजें यहाँ पे रहती है, किसान वाला घर है तो अनाज, और गांव का घर है तो गांव की तरह ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे मेरी मशीन है, जहाँ पे मैं यहाँ पे चेयर रख के आराम से करती हूँ सिलाई रात को, या फिर कभी भी जब भी मेरा मन करता है। उसके बाद यहाँ पे पूरा दिन हमारा, हमारे लाइफ का सबसे ज्यादा टाइम यहीं पे गुजरता है, क्योंकि यहीं पे ज्यादातर हम लोग रहते हैं। इसके बाद में इधर से मेरा किचन जाएगा इस वाले साइड से, यहाँ पे मेरी टीवी, मेरे सेकेंड चैनल जिसका नाम है शांति की लाइफस्टाइल, जिसका लिंक मिलेगा आपको वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिस पे ये एक वीडियो आई है, तो उसको भी जरूर देखिएगा। और इधर है मेरा बेडरूम, तो बेडरूम पहले बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं अपना ये वाला एरिया आप सबके साथ दिखाऊंगी। और मैं थोड़ी सी अभी घबराई हुई हूँ, क्योंकि सुबह से नाश्ता बनाने के बाद मैंने सोचा कि पहले होम टूर शूट करेंगे, फिर बाद में खाना पीना बनाएंगे। और उसके बाद ये वाला रूम, अगर आप मेरे पिछले वीडियो से देखेंगे तो मेरा यहाँ से किचन हुआ करता था, लेकिन अभी ये जो है वो किचन से एक ये रूम बन चुका है जो यहाँ से एंट्री होता है। और इसमें अभी मैंने ही यहाँ पे एक खटिया, एक चारपाई मंगा के यहाँ पे डाल रखी है। और यहाँ पे मेरे इस वाले रूम में मैंने ज्यादा चीजें अभी नहीं करी, इसमें मुझे सोफा वगैरह लगवाना है, लेकिन जब हमारे घर में टाइल्स लग जाएंगी तब। यहाँ पे मेरे डेली वेयर की साड़ियां होती हैं जो मैं अपने वीडियो में पहनती हूँ, कैसे ऑर्गेनाइज किया मैं बता देती हूँ। यहाँ पे स्वेटर वगैरह है, और यहाँ पे अरम्या की बुक्स है, इस वाली में बेडशीट वगैरह है, और यहाँ पे हमारे गुल्लक है मेरे हैं, ये मेरा है, ये अरम्या के, ये भी अरम्या के है। गुल्लक जरूर रखे, सेविंग की आदत पड़ती है बच्चों के अंदर। उसके बाद ये रूम ऐसे ही है, इसके बाद यही से मेरा किचन जाता है, और किचन एकदम, ये किचन डिजाइन मैंने किया है, आप सबको भी पता है, क्योंकि हमारे पास स्पेस इस वाले एरिया में बहुत कम था, और वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन यही होना चाहिए। तो ये है मेरा छोटा सा रसोई घर, जहाँ पे ये मसाले के मेरे डब्बे हैं, ये भी मेरे कुछ मसाले हैं, यहाँ पे अरम्या की चीजें होती हैं, और ये वाला प्लेटफॉर्म जहाँ पे खाना बनता है, इसमें मैं अपने चाकू कैची वगैरह चीजें यहाँ पे टांगने के लिए मैं अभी लेके जस्ट आई हूँ। इस साइड में ये ड्रम वगैरह है, क्योंकि ड्रम तो रहेंगे ही रहेंगे किसान के घर में अनाज रखने के लिए, मेरे पास 3 है, 2 हमने, ये ओखली है, ओखली भी रहती ही है दाल छाटने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मेरा है फ्रिज,
हमारे घर का यहाँ पे बर्तन वाले स्टैंड है। तो हम अब यहाँ से बाहर की तरफ आए, हम अब यहाँ से बाहर की तरफ आएंगे। और कैसा है मेरा किचन, कैसा है मेरा रूम, ये पहले कैसा था और इसको मैंने एक डेढ़ सालों में कैसे कितनी मेहनत के साथ बनाया है वो मुझे जरूर बताइएगा। इनकी भी मेहनत है, ऐसा नहीं है, मुस्कुरा रहे हैं देखिए। इसके बाद आता है हमारा बेडरूम। हटते बनी जी, बेडरूम में जैसे आप एंट्री करेंगे यहाँ पे है मेरा प्यारा सा बेड जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले लिया है और बहुत ज्यादा मुझे पसंद है मेरा ये बेड। इसके बाद यहाँ पे है मेरा ड्रेसिंग, ये देखिए। और ड्रेसिंग टूर अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं जरूर शेयर करूंगी आप सबके साथ। और यहाँ पे मेरे जो डेली के क्रीम होते हैं वो मैंने यहाँ रखे हैं, ये जो ब्रश होते हैं मेकअप के मैंने यहाँ रखे हैं। अच्छा, इसको देख के आपको लगेगा ये टोकरी क्यों है। मैं जो डेली आपको अपने सेकंड चैनल शांति की लाइफस्टाइल पे जो मेकअप ट्यूटोरियल वगैरह शेयर करना होता है तो मैं ऐसे ही लेके बैठ जाती हूँ, इसलिए ये बहुत काम की चीज है। यहाँ में ना इस सारे में ना मेरे बैंगल्स है, इन सभी में मेरे चूड़ा है, इन सभी में आई थिंक सारे में होंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा इन्वर्टर है तो ये वाला एरिया थोड़ा सा ऐसे सामान वामान बिखरा थोड़ा बहुत रहता है। और ये है मेरा बॉक्स, हमारे भगवान जी हैं, यहाँ पे हमारा मंदिर है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो एरिया है इसमें चीजें होती हैं, छोटी मोटी चीजें होती हैं। ये मेरे को रम्या ने मेरे बर्थडे पे बना के दिया था, रम्या को इन सब चीजों का बहुत शौक है इस तरीके से बनाना करना। और कुछ नहीं यहाँ पे मेरे, जैसे कि मैं रील्स वगैरह शूट करी तो फटाक से मेरी चूड़ियां मिल जाएंगी आपको, इसमें यही सारी चीजें मिलेंगी जो बिखरती है रोज, जिसको समेटना पड़ता है रोज, ये यहाँ पे यही सारी चीजें होती है। इसके बाद यहाँ पे मेरा एक और बॉक्स है जिसपे मैं आराम से बैठती भी हूँ, यहाँ पे बैठ के मैं एडिटिंग भी करती हूँ अपनी वीडियो की और बहुत सारे काम मैं अपने बॉक्स पे बैठ के कर सकती हूँ। इसके बाद यहाँ पे है मेरी अलमारी, और अलमारी में खोल के नहीं दिखाने, इसमें ना मेरे कपड़े हैं और इसमें मेरी साड़ियाँ वगैरह रहती हैं या फिर ठंडियों के स्वेटर वगैरह है, तो इसमें ये सारी चीजें हैं। और यही है मेरा छोटा सा प्यारा सा, और यहाँ पे मेरे को एक हैंडबैग आया था वो मैंने यहाँ पे रखा है। तो ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा घर। तो और यहाँ पे वो ये तो रहा मेरा प्यारा सा घर। सेकेंड वाले फ्लोर पे हमारे यहाँ बैंक है, उसको हमने किराए पे दे रखा है। और इस साइड मेरा ये जो कपड़ा वाला जो था वो यहाँ था, लेकिन धान आ चुका है तो उसका पानी गिर के हमारा धान खराब हो जाएगा। अब ये धान तब तक नहीं जाएगा जब तक कि सरकार ले ना जाए, क्योंकि सरकारी उस पर जाता है जहाँ पे सरकार बेचती है। उसके बाद यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा प्यारा सा आंगन है जहाँ पे हमने लगाई है बहुत सारी सब्जियाँ। आइए मैं दिखाती हूँ, यहाँ से सब्जियाँ मैं लेके जाती हूँ और अपने किचन में बनाती हूँ। ये देखिए हमने धनिया लगाए हैं यहाँ पे, ये ना टमाटर की नर्सरी है, तो आप लोगों में से किसी को चाहिए मुझे जानते हैं तो आके मेरे घर से टमाटर की नर्सरी ज़रूर ले जाइएगा, बहुत ज़्यादा है ये, कई मतलब हज़ार ये नर्सरी होंगी, मतलब कई सौ होंगी यानी 1000 होंगी ये नर्सरी। इसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे लहराते हुए प्यारे प्यारे, वहाँ पे मूली है, गोभी है और मटर। इस वाले गार्डन को मैं बहुत यूज़ करती हूँ अपने रील्स में, अपने वीडियोस में बहुत ज़्यादा इस वाले का, इसका बहुत यूज़ है। लोगों को लोकेशन चाहिए होता है, मेरे पास बहुत सारे लोकेशन में यहाँ पे मिल जाते हैं। और ये देखिए टमाटर, और टमाटर आने भी शुरू हो गए हैं, ये देखिए अभी टमाटर कितना महंगा है लेकिन हमने वो भी लगा लिया है, टमाटर भी लगा लिए हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये भृंगराज है, भृंगराज बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, आपको कहीं घाव वगैरह हो जाए उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे हमारी लौकी है, और बहुत सारी लौकी थी लेकिन उसमें ठंडी लग गई। देखिए इतने अच्छे अच्छे इसमें बैंगन आ चुके थे लेकिन उसके बावजूद इसमें ना दीमक लग गई इसकी जड़ों में, तो ये इस साल पता नहीं नज़र लग गई क्या हुआ किसकी, ये पूरे बैंगन हमारे इस साल ख़राब हो गए हैं। और मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये देखिए सारे बीन्स हैं, जो बीन्स आते हैं ना वो यहाँ पे लगाए गए हैं। और यहाँ पे हमारा पत्ता गोभी है, इस पूरे यहाँ तक है। और ये देखिए छोटे छोटे से हमारे गोभी,
बहुत सारी गोभी ना आनी शुरू हो गई है, ये देखिए एक यहाँ पे है, सब में आनी शुरू हो गई है, धीरे धीरे सब में आनी शुरू हो गई है। इस साइड ये ना ऐसे लगता है, कोई पहले लगती है कोई बाद में लगती है, ताकि एक ख़त्म हो तो दूसरी हमारी स्टार्ट हो जाए। और इसमें भी है, ये देखिए इसमें भी है, और ये हमारे पाम और हमारे कुछ पौधे इस साइड पे रख दिए गए हैं धान की वजह से। तो बस इन हरियालियों के बीच में है मेरा एक प्यारा सा छोटा सा घर, और उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये प्यारा सा घर, ये मेरा होम टूर की वीडियो आप सबको अच्छी लगेगी। और पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को जल्दी से। न्यू ईयर आते आते देखती हूँ कि मेरे, और ये वही घर है जिसको पता नहीं, जैसे बहुत सारे पॉजिटिव लिखते हैं लेकिन घर की अगर मैं बात करूँ कमेंट की, तो बहुत सारे लोगों ने निगेटिव लिखा, कितना ऐसा है वैसा है। अब किसान का घर है दूसरा, प्लस गांव का घर है, तो अनाज आपको देखने को मिलेंगे, बोरियां जो होती है, बोरियां जो कभी आपको इधर दिख जाती है तो कभी उधर दिख जाती है, वो आपको दिखेंगी ही दिखेंगी क्योंकि उसमें अनाज। और अभी तो मैं अपने घर को और भी ज़्यादा चेंज करने वाली हूँ, जब हमारे टाइल्स वगैरह लग जाएंगे, फर्श बन जाएंगे, सारे प्लास्टर हो जाएंगे, तब बताइएगा। लेकिन अब मेरे पिछला होम टूर देखिएगा और ये वाला होम टूर देखिएगा, और दोनों देखने के बाद मुझे कमेंट करिएगा कि कितना ज़्यादा मैंने इस घर को बदल दिया है इन एक सालों में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तो मुझे सजेस्ट भी करेंगे कि और क्या क्या चीज़ें मैं अपने घर में कर सकती हूँ, क्या क्या चीज़ें लगा सकती हूँ। और बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है होम टूर के लिए भी, हम लोग सुबह से ही लगे हुए थे, और ये था कि जल्दी से खाना वाना बना के किचन उचन साफ़ कर ले, फिर हम लोग ये वीडियो शूट करें। और प्रकृति की बस गोद में रहते हैं, पास में है हमारी गंगा मैया, 10 किलोमीटर बहुत होंगी, तो इस साइड से तो 5 किलोमीटर ही है हमारी गंगा मैया, गंगा माँ के गोद में प्यारा सा हमारा सा घर। तो कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, और चलिए मिलेंगे फिर हम आप सबसे एक अगले वीडियो में। ये वीडियो आज ही बनी है और ये वीडियो आज ही जाएगी, और मेरा जो सेकेंड चैनल है वो है शांति की लाइफस्टाइल, तो उसको भी सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अगर अच्छी लगे तो, वहाँ पर मैं ब्लाउज कलेक्शन और मेकअप ट्यूटोरियल की वीडियो डालती रहती हूँ। तो अब जा रहे हैं हम किचन में फिर से बनाने खाना, और हम आप सबसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए आप सब अपना बेहद ख्याल रखिए।